कपल्स कैसे रहना है ना, मैरिड कपल या लवर जो भी हैं, जैसे खुशी खुशी कैसे जी सकते हैं, इसके लिए आपको एक पांच रूल फॉलो करना है। ऐसे पांच आप फॉलो कर दो तो जैसे भी आपको तकलीफ नहीं होगा। जनरली क्या ना, जब भी फाइट होता है तुरंत बोल जाओ, कुछ बड़ी बात नहीं है, सब लोग बताते होंगे, आपको मालूम भी होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे आप समझ सकते हो मैं बताता हूँ आपको। तुरंत भूल जाओ, फाइट होता है भूल जाने का, राइट। अपना क्या बोलते ना, मैं कौन हूँ, मैं कितना पोस्ट में हूँ, मेरे पीछे कितना लोग थे, कितना लड़के थे, कितना लड़की थे, लड़कियाँ थे, ये सब डायलॉग नहीं बनने का पे, राइट। शादी किया ना, सबको बुला के कार्ड वर्ड दे के सब शादी किया ना, बोला ना हम लोग साथ में रहने वाले हैं, कभी छोड़ेंगे, ऐसा बोला ना, तो फिर ये डायलॉग विलग अभी अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी ख़त्म ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जो भी है इसके अंदर ही फॉलो करना है, तो हाँ बोलना है, सारी पूछना है, झगड़ा को भूल जाना है। आप ऐसा देखो कि ये कोई व्यक्ति है, अरे नया है भाई, नाइस टू मीट यू, ऐसा करके हर बार आपको ऐसा नया नया व्यक्ति देखना है। रोड पे नई नई लड़की देखते हैं, लड़की लोग ज़्यादा देखते नहीं ऐसा लगता है मुझे, नहीं उसकी बात नहीं करूँगा। जैसे आपको हमेशा वाइफ को देखना नई लड़की है, राइट, या एक नया नया पर्सन है, वो जो पहले बोला था वही आज नहीं है। जनरली ये सच भी है कि पहले जो हुआ वो आज नहीं होता है, राइट। आप जितना दोस्ती देखे होंगे, राइट, मरने मिटने की बात करते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, दोनों वही हैं, सिचुएशन बदल जाता है, सोच विचार बदल जाता है। सेम हस्बैंड एंड वाइफ भी सेम वही है, लेकिन कभी कभी सोच विचार बदल जाता है। इसके लिए आप भूल जाओ और समझो कि ये नया व्यक्ति है, नया सिचुएशन है, नया दिन है, ऐसा समझ लो। ओके, इसमें आपका डाउट आएगा कि मैं ठीक हूँ लेकिन वो तो वही बोल रही है, या तो वो तो वही बोल रहा है, भूल नहीं जा रहा है ना, यस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम ऐसा उंगली उंगली नहीं दिखा सकते कि उसने किया, इसने किया, वो चेंज नहीं हो रहा है, मैं अकेले चेंज होकर क्या करूँगा। लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट है ना, अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हो, दिमाग से काम करते हो, आप इंडिविजुअली एक होके भी इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। मैं जो भी बताता हूँ इसको आप इंडिविजुअल फॉलो करोगे तो भी सामने वाला चेंज हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, ये सब चाहिए, तभी आपका होगा, राइट। फर्स्ट झगड़ा होते ही भूल जाओ, ज़्यादा उसको लेके चढ़ो मत, आज उसको ऐसे करूँगा, उस दिन इस समय तूने ऐसा किया था, तेरे साथ देख मैं क्या करता हूँ, कोई चांस नहीं है। ये ऐसा जो कपल्स बात करते हैं इनका कोई गुंजाइश नहीं है कुछ होगा। कल्चर ऐसा होगा, मम्मी पापा ऐसे होंगे, उसकी जो दोस्त ऐसे होंगे, तो इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डायलॉग कभी आना नहीं चाहिए, तेरे को मैं क्या करता हूँ, देख तू मेरे साथ क्या किया ना तेरे को, नहीं, गुड के लिए बात करो, बैड के लिए बात मत करो। नंबर वन, फाइट को जल्दी भूल जाओ, नंबर वन। नंबर टू है, कपल्स के लिए हमेशा एक प्राइवेट टाइम्स होना चाहिए। हमारा साउथ में टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग शादी होते ही झगड़ा करके बाहर निकल जाते हैं, या तो मम्मी पापा को भगा देते हैं, या फिर जनरली ऐसे होता है, बहुत रह रहे जो साथ में रहते हैं और रहते तो भी ठीक है, 6-7 महीने में फिर ख़त्म करके हम निकल जाते हैं, पर ऐसा कोई टेंशन विशन होता नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर मैंने नॉर्थ इंडिया में देखा है कि हमेशा जॉइंट फैमिली होते हैं, उनके लिए तकलीफ है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपके लिए एक प्राइवेट टाइम एक होना चाहिए, जिसमें एक दूसरे को समझने के लिए एक क्वालिटी समय उनको लगना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी में मेरे मेरे से बढ़िया और कोई नहीं है, उनको लगना चाहिए आपसे बढ़िया कोई नहीं है, इस तरह का एक मिलन होना चाहिए, इस तरह का एक लेन देन होना चाहिए ना, इस तरह का एक इससे क्या होगा ना, जब आपका ये क्वालिटी टाइम है ना, तो भीड़ में वो कहीं पे भी जाएगी या कहीं पे भी जाएगा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालूम है वो मेरा है और हम लोग का कितना गहरा रिलेशनशिप है, ऐसा क्या आएगा, तो एक कॉन्फिडेंट मिलेगा, राइट। सो एक प्राइवेट टाइम्स आपको किसी भी हालत में लेना ज़रूरी है। कई कई फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ में झगड़ा इसके लिए होता होगा क्योंकि पूरा भीड़ की तरह रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर ये अंदर से एक सफोकेशन होगा, झगड़ा होगा, ये सब चीज़ें, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, नंबर टू। और थर्ड वाला एक है ट्रस्ट, भरोसा करना चाहिए लोगों पे। भरोसा ऐसा करो, यस, जो बोलती है सही है, जो बोलता है सही है, हाँ झूठ निकला तो बोल जाने का है, बोला तो बोला, ओके।
अगर झूठ बोलती है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है, आपका तकलीफ है, क्योंकि आपने उस तरह का एक मौका नहीं दिया जो सच बोल सकते हैं। सिचुएशन आपने ऐसा बना के नहीं दिया जिससे वो सच बोल सकता है, राइट। एक जगह पे एक केसेस में एक वाइफ आके हस्बैंड से झूठ बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा पैसा से ऐसा किया, तो हस्बैंड बोलता है मुझे मालूम है ये झूठ है, लेकिन गलती तेरा नहीं है, गलती मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे ऐसा एक सिचुएशन नहीं दिया जो मुझे आके तू बता सकती है, या फिर इस मामले में मैंने तुझे फ्री कभी छोड़ा नहीं, हमेशा मैं जो चाहूँ वही करने के लिए तुझे हमेशा किया, इसके लिए तू ऐसा झूठ बोलती है, तो गलती तेरा नहीं है, गलती मेरा है। ये कितना हस्बैंड ऐसा बात कर सकते हैं, राइट। सो ट्रस्ट को ऐसा बिल्डअप करना पड़ेगा, सच बोला तो सच बोला बस, उसके आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट, मैं इस तरह का ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, सामने वाला ट्रस्टवर्दी हो भी नहीं सकता है ना, वो कभी झूठ 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 ऐसा हो सकता है। आपको जीना है तो इसको भरोसा करके जीना है, नहीं जीना तो अलग बात है, ठीक है, वो दूसरा कहानी है, लेकिन जो भी है डिसाइड करके जियो, राइट। जीना है या नहीं जीना है, जीना है तो फिर बिंदास आँख बंद करके जियो। कोई गलती करता है तो भी कल बाद में सुधर के आ सकता है, राइट। तो इतना ही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो ट्रस्ट द पार्टनर, बिजनेस आँख बंद करके ट्रस्ट, ओके। थर्ड फोर्थ में हो गया, आपको जितना भी भीड़ में हो, ग्रुप में हो, सबका अलग अलग सोच विचार होता है, राइट। हस्बैंड को एक पसंद नहीं है, वाइफ को एक पसंद नहीं है, एक तो एक ऑलरेडी एक लपड़ा है, क्योंकि यह आदमी है, औरत है, औरत कैसे सोचते हैं वो अलग है, बॉयज़ कैसे सोचते हैं वो अलग है, गर्ल्स कैसे सोचते हैं अलग से, ये ऑलरेडी एक लपड़ा है, उसमें आप जाके मेरे जैसे सोचती नहीं है, राइट, इसका विचार अलग है, ऑब्वियसली होगा, एक इंडिविजुअल से इतना डिफरेंस है, तो गर्ल बॉय वुमेन मैन इसमें भी इतना डिफरेंस होगा। रेस्पेक्ट करना सीखो, ओके करना सीखो, साथ में जाना सीखो, उनको जो पसंद है नहीं सुनना है उसको देना, दो बार सोच की बात करो, इसको पसंद आएगा नहीं आएगा, यू नो, इस तरह का पूरा उनके लिए जीना भी नहीं है, अपने लिए भी जीना नहीं है, इस तरह का एक रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ वाला में आपको ध्यान रखना है, हमेशा रेस्पेक्ट हर उनकी सोच विचार, उनको पसंद नापसंद, इसके ऊपर ध्यान दो। और कहीं पे भी जनरली मैं देखा कि कपल्स के फ्रेंड्स आता ना, किसते हैं, बहुत किसते हैं, वाइफ को ग्रुप के सामने किसते हैं या हस्बैंड को ग्रुप के सामने किसते हैं, थोड़ा हंसी मजाक ठीक है, लेकिन सब में सीरियसली कुछ ऐसा इशू है, उनको अच्छा नहीं लगता है, समथिंग सीरियस, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। मोर ओवर हमेशा थोड़ा तरह की थोड़ा उसके बारे में बड़ापन बोलना चाहिए ना, इट हैज़ टू बी न्यूट्रल, थोड़ा मजा किया, थोड़ा तारीफ किया, ऐसा होना चाहिए, सिर्फ खींचना 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 ये और प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। ये वाला लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, बाकी सब चीज़ें आपने फॉलो किया नहीं किया चलेगा, ये अगर आपने फॉलो किया ना मस्त हो जाएगा। मैंने बहुत फॉलो किया है, उससे पहले बहुत नुकसान सहा भी है, राइट, बहुत खतरनाक लाइफ में सब गुजर गया है। सो वो जो सीक्रेट है वो है, एक इमोशंस होता है और एक लॉजिक होता है, राइट। इमोशंस हमेशा ये कभी लॉजिक को जानता नहीं है, पाँच और पाँच दस, लेकिन इमोशन वाले को ये सब मालूम नहीं है, राइट ना। अभी जैसे पेड़ में पक्षी है ना, एक को अपने गोली मारा तो कितना होना चाहिए, 50 में से एक मर गया तो 49 होना चाहिए, लेकिन सच में होता नहीं है, पूरा का पूरा भाग जाएगा, उधर कुछ होगा ही नहीं, सर ये कैलकुलेशन उधर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इमोशंस हैं, फियर है, डर पैदा हो गया, तो इसके लिए सब भाग गया, राइट। ये ऐसे ही आप भले ही वाइफ को बताते हो लॉजिक, तूने इस समय ऐसा ग्रुप में ऐसा कहना नहीं चाहिए था, डन, अग्री, लेकिन अगर वो ऑलरेडी तकलीफ में है, परेशान में है, टेंशन में है, गुस्से में है, उस समय बता दो ना ये काम नहीं करेगा, फिर आप बोलो उनको बुलाओ इनको बुलाओ, मैं सही है कि तू सही है, चल देखते हैं हम लोग, ये सब ढलक नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस इतना ज़्यादा है ना, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। बातों को समझो, आप किसी को बात करो, तू मेरे से बात मत, समझाना, बात सुना, समझ जाने का, इनको बीमार आ गया है, ये बीमार है ना, उनका मानसिकता खोया है, समझ जाने का, जो भी गुस्सा करते हैं या बहुत प्यार में हो जाते हैं, ये दोनों हमेशा जब बहुत प्यार में होते हैं या फिर
बहुत गुस्सा में आते समय कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक लफड़ा हो जाएगा, या पकड़ में कमिटमेंट कर दोगे या फिर गुस्से में कुछ बोल दोगे, ये दोनों नहीं करना चाहिए। सो जब भी आपकी पार्टनर गुस्से में है उस समय कुछ भी बात मत करिएगा, वो जगह से कल्टी ले लो, वहाँ से निकल जाओ, आराम से चले जाओ, कुछ बात मत करो। कब बोलना है, वापस एक मूड आएगा, रोमांटिक आराम से बात करते हैं उस समय बात, लेकिन उस समय झगड़ा नहीं करने का, बातें करने का, लेकिन वहाँ पे कुछ ट्रिगर हो रहा है तो टॉपिक बंद कर देने का। जो इमोशंस बहुत ज़बरदस्त होगा उस समय, आपकी जो हर बातें उनके दिमाग में जाएगा नहीं, चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, इस बात को जब लॉजिक आराम से होंगे उस समय बात करके सुलटना चाहिए, लेकिन गुस्से में आके कभी कोई चीज़ बात करके कभी उसका हल नहीं होगा। सिर्फ एक ही डायलॉग, इसको आप फॉलो करेंगे ना, मस्त हो जाएगा लाइफ, उल्टा सीधा बोल दिया निकल जाने का, बेशरम होकर निकल जाने का। ओके, कमिटेड है ना, हमारे बच्चे देखते हैं ना, घर पे बड़े लोग देखते हैं, आजू बाजू वाले देखते हैं, ये सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो बिंदा स्मूथ निकल जाना चाहिए। सो इस तरह का अगर हम लोग जिंदगी जीते हैं तो मेरे ख्याल से कपल्स के अंदर इतना झगड़ा नहीं आना चाहिए, राइट। सो झगड़ा जल्दी भूल जाओ, अपने लिए कुछ समय निकालो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो एक के ऊपर, आँख बंद करके भरोसा करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। ओके, उनकी चाहत है नहीं है उसके ऊपर रेस्पेक्ट करो। लास्ट वाला, इमोशंस में कोई बात मत करो, वो गुस्सा इमोशन सब जाने के बाद जब कोई होटल में जाके बात करो, कहीं पे आप बैठे बात करते हैं तभी, लेकिन वहाँ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक लॉजिक, मैं ये सोच के कर रहा था, ये सोच के कर रहा था उस समय पे, अगर इस तरह का है तो मेरे ख्याल से लाइफ बेस्ट हो सकता है। आपको कैसे लगा, क्या लगा, कमेंट एंड डू लेट मी नो। थैंक यू।